morning class. Today our topic is solid state. You know what is the meaning of solid? I think आप सभी जानते हैं solid का क्या मतलब है. आपको ये पता है कि matter के कितने state होते हैं? Matter के total 3 states होते हैं, solid, liquid और gas. आइए थोड़ा सा हम यहाँ डिटेल से आपको डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें समझना है सॉलिड स्टेट चैप्टर. और सॉलिड स्टेट को समझने के लिए हमें इसके बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है. तो अभी हमने आपसे कहा कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, सॉलिड, लिक्विड और लास्ट है आपका गैस. ये तीनों ही स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट है. और अगर आपने देखा है तो हर एक स्टेट अपने आप में एक अलग ही प्रॉपर्टी शो करता है. सबसे पहले बात करते हैं मैटर के इन 3 स्टेट्स का डिवीजन किस बेसिस पे हुआ. यानी ये हमने जो मैटर के 3 स्टेट बनाए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसका मेन बेसिक फॉर्म क्या है. तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे नेचर में जितनी भी चीजें हैं ये सभी एटम की मिलकर बनी हुई हैं. एटम क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनने वाले सब्सटेंस को हम एटम का नाम देते हैं. तो ये जो एटम है, जो हमारे इन स्टेट्स ऑफ मैटर में प्रेजेंट है, ये आपस में एक दूसरे से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं. यानी दो एटम अगर यहां पर हैं, तो इन दोनों एटम के बीच में एक फोर्स वर्क करता है और इस फोर्स को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी IMF, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आपका वो फोर्स है जो दो एटम को जोड़कर रखता है. अगर हमने ये दो मार्कर आपस में इस तरीके से स्टिक करके रखा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों मार्कर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इन्हें होल्ड कर रखा हुआ है, इन्हें ज्वाइन करके रखा हुआ है. और इस फोर्स को हम कहते हैं IMF, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. शॉर्ट में मैंने आपको लिख दिया है IMF, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स दो एटम को जोड़ के रखता है. लेकिन यहां बात आई है कि मैटर का डिवीजन हमने किस बेसिस पे किया है. तो मैटर का डिवीजन हमने इसी फोर्स के बेसिस पे किया है. इस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे हमने 3 क्लास डिवाइड की है. पहला है हमारा सॉलिड, दूसरा है हमारा लिक्विड, तीसरा है हमारा गैस. ये जो IMF फोर्स है, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इजी है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है. एक बार अगर आपने अच्छे से ध्यान से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप इस चैप्टर को, मतलब इस चैप्टर के कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर पाए. लेकिन बेसिक चीजें क्लियर होना बहुत मस्ट है बच्चों, ठीक है. तो बैक टू द टॉपिक, मैं आपसे कह रही थी IMF, एक एक क्लास को वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगी. सॉलिड में ये जो IMF फोर्स है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है. इसीलिए जब आपसे कहा जाता है कि सॉलिड का डायग्राम बनाइए, तो आप एटम्स को बहुत पास पास रखते हैं, ऐसे रखते हैं ना, इस तरीके से बनाते हैं. यानी दोनों एटम को आप एकदम पास पास क्लोज करके डायग्राम को शो करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड में एटम के बीच में स्पेस नहीं होता है. स्पेस ना होने का रीजन भी यही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है. तो IMF फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि सॉलिड के एटम्स के बीच में स्पेस नहीं पाया जाता है. और इस प्रॉपर्टी के कारण, अपनी इसी प्रॉपर्टी के कारण, सॉलिड का अपना फिक्स शेप होता है, इनका एक अपना फिक्स शेप होता है,
साइज होती है, इनका फिक्स मास होता है, किसके कारण? SIMF फोर्स के कारण। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं मैं आपको। सपोज ये मेरे पास डस्टर है, इसका शेप और साइज कभी नहीं बदलेगा बिकॉज ऑफ द रीजन कि एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनमें जो एटम्स हैं ये आपस में बहुत क्लोज है। रीजन क्या है कि इनके बीच में लगने वाला जो IMF फोर्स है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो इनका एक फिक्स शेप होता है, साइज होता है और इनका फिक्स वॉल्यूम होता है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ये अपना शेप और साइज तभी बदलेंगे जब आप इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे। अब अगर आपने इस डस्टर को ऐसे आप तोड़ रहे हैं तो ये नहीं टूट रहा है, क्यों? क्योंकि अभी आपने ये जो मस्कुलर फोर्स इस पे अप्लाई किया है, इसके अंदर जो फोर्स है उससे आपका मस्कुलर फोर्स कम है। लेकिन अगर यही फोर्स बहुत ज्यादा आप अप्लाई करते हैं तो ये आसानी से डस्टर टूट जाता है। तो खैर, पूरी बात का जो मतलब ये बताने का सिर्फ यही रीजन था कि सॉलिड में IMF फोर्स स्ट्रांग होता है, जिसके कारण इनका अपना फिक्स मास होता है, शेप होता है, साइज होता है और इनका अपना एक वॉल्यूम होता है और आप इन्हें इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। यानी सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो टोटली डिपेंड करती है इस IMF फोर्स के ऊपर, इस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसके कारण सॉलिड अपने शेप साइज को कभी नहीं बदलते हैं। आई होप कि आपको सॉलिड के बारे में इतना क्लियर हो गया होगा कि इनका ये जो प्रॉपर्टी है, शेप, साइज, दे आर इनकम्प्रेसिबल, ये सभी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इनके IMF फोर्स पे। क्लियर हो रहा है बच्चों? नाउ नेक्स्ट क्लास हमारी है लिक्विड। अब बात आती है लिक्विड की। अब हम आपसे बोले कि लिक्विड का आप डायग्राम बनाइए, तो आप लिक्विड का डायग्राम कैसे बनाएंगे? आप ऐसे बनाएंगे, इट मींस कि आपने मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा क्लोज नहीं रखा है, आपने मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखा है। देख रहे हैं आपने क्या रखा है? गैप रखा है। सॉलिड में आपने बिल्कुल भी गैप नहीं रखा क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। लिक्विड में आपने थोड़ा सा गैप रखा, क्यों? क्योंकि इन कंपेयर टू सॉलिड IMF फोर्स लिक्विड में थोड़े वीक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, एक एग्जांपल दे दे हम आपको। फॉर एग्जांपल वाटर, पानी हम सभी पीते हैं, रोज पीते हैं। आपने फ्रिज में से बॉटल निकाली, बॉटल का पानी ग्लास में लिया, फिर पी लिया। आपने क्या देखा? पहले पानी आपका बॉटल में था तो वो बॉटल के शेप का था, आपने पानी ग्लास में डाला अब वो ग्लास के शेप का हो गया। यानी लिक्विड अपना शेप बदलता है, अपना साइज बदलता है। रीजन, यहां पे ये जो फोर्स है ये सॉलिड के कंपेयर में कम है, तो जाहिर सी बात है जहां फोर्स कम होगा वहां पर एटम थोड़ा बहुत अपने आप मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट क्यों करेंगे? हम मूवमेंट कब करते हैं? जब हमारे पास स्पेस होता है। जब स्पेस नहीं रहता तो हम स्ट्रेट खड़े रहते हैं। सॉलिड में यही है, सॉलिड में स्पेस नहीं है तो एटम एक जगह पर है, लेकिन लिक्विड में स्पेस है तो एटम क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो IMF फोर्स की वैल्यू यहां पर एटम के बीच में लगने में थोड़ा सा कम है इन कंपेयर टू सॉलिड। दैट इज द रीजन दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड साइज, बट दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स होता है। मार्केट से आप एक लीटर दूध लेके आते हैं तो घर में वो एक ही लीटर रहता है, वो बात अलग है कि आपने बॉयल करते वक्त उसमें वाटर ऐड कर लिया। वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ शेप और साइज, शेप और साइज बदलती है किसकी? लिक्विड की। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
कि क्या रीजन है कि लिक्विड अपना शेप और साइज बदलता है, सिंपल सा आप आंसर देंगे, आईएम में फोर्स इनमें वीक है इसलिए लिक्विड अपना शेप और साइज कॉन्टिन्यू बदलते रहते हैं. नाउ द लास्ट क्लास, द लास्ट वन इज गैस. मैटर का सबसे लास्ट एंड आखिरी स्टेट है गैस. अब गैस की बात करें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ गैस. एयर के मॉलिक्यूल्स आप सभी जानते हैं, दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. जो गैस में एटम्स होते हैं, अगर आप इनका डायग्राम बनाएं तो आप कुछ ऐसे बनाएंगे. डिस्टेंस लिक्विड के कंपेयर में यहां पर डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया. अब लिक्विड के केस में डिस्टेंस कम था, गैस के केस में डिस्टेंस ज्यादा हो गया. रीजन क्या हो गया कि यहां पे ये फोर्स और भी कम हो गया, घट गया. जब फोर्स की वैल्यू दो एटम के बीच में लगने वाली है, जो लगने वाला जो ये फोर्स था, जब ये डिक्रीज होता गया तो एटम आपस में एक दूसरे से दूर होते गए, और जब दूर हुए तो डिस्टेंस क्रिएट हुआ. अब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मोशन उतना ज्यादा होगा. तभी तो आपने देखा होगा कि गैसेस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है. आपने घर के किसी कोने में परफ्यूम लगाया, एग्जाम्पल है ये, आपने घर के किसी कोने में परफ्यूम लगाया, स्मेल आ गई पूरे घर में. हाँ भाई, किसने परफ्यूम लगाया, कैसे पता चला आपने परफ्यूम लगाया, आपने तो एक कोने में लगाया. लेकिन चूंकि उनके गैस के मॉलिक्यूल इतनी तेजी से मोशन करते हैं कि उनके जो पार्टिकल्स हैं पूरे एयर में स्प्रेड हो गए और स्मेल सारी जगह फैल गई. तो गैसेस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जहां ज्यादा होगी, इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहां फोर्स एकदम कम होगा. और अब आपने यहां पे देखा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा है क्योंकि फोर्स सबसे कम है, पर यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो है और फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है, ज्यादा है. तभी तो इनके मॉलिक्यूल्स मोशन नहीं कर पाते और इनके मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते रहते हैं. तो आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक था सॉलिड स्टेट को पढ़ने के लिए. हमें इसको समझना जरूरी था कि सॉलिड होते क्या है, उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज. सबका एक आंसर है IMF, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. आई होप कि इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा. मैंने आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो इसमें डाउट होने का कोई सवाल नहीं होता है, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. दिस इज अवर इंट्रोडक्शन. ये हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने आपको सॉलिड के बारे में बताया कि सॉलिड का एक अपना फिक्स शेप और साइज कैसे होता है और उसके पीछे रीजन क्या है. ये चीज क्लियर हो गई. अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चीज एक आपको बता दूं कि आप जब भी कोई एक टॉपिक कंप्लीट करिए, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मैं भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, आप उनको सॉल्व करते रहिए. एनसीईआरटी की बुक्स में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप टॉपिक को खत्म करके उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए. इससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया. फॉर एग्जाम्पल कि हमने ये जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें हमने आपको क्वेश्चन दिया कि क्लासिफाई द सॉलिड लिक्विड एंड गैस. कहने को बहुत छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है. तो क्वेश्चन है हमारा क्लासिफाई द सॉलिड. आपको सॉलिड को क्लासिफाई करना है. हमने एग्जाम्पल दिया डस्टर, फिर
फिर हमने आपको एग्जाम्पल दिया बोर्ड और हमने एग्जाम्पल दिया वॉटर। तो क्लासिफिकेशन में आपने किसको किसको रखा? डस्टर को रखा और बोर्ड को रखा। ये दोनों किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ये दोनों आपके सॉलिड के कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है और मैंने आपसे अभी कहा कि ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन के पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम सॉलिड के डिफरेंट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से एक सिंपल सी मैं बात, मतलब सिंपल मोड में मैं अगर बताऊं तो सॉलिड के कई क्लास हैं जो आपके एनसीईआरटी में हैं। उसमें हमें 4 से 5 सॉलिड पढ़ने हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके टॉपिक में आएगा वो है एक एमॉर्फस सॉलिड और एक है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। 5 क्लासेस की बात कर रहे थे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में हमने सॉलिड को 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, पहले तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एमॉर्फस सॉलिड और दूसरा है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद बहुत से हैं, आयनिक सॉलिड है, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो इस तरीके से सॉलिड के कई क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन है, लेकिन हमारे जो 12th में हमारे जो बोर्ड में आने वाले हैं टॉपिक वो है आपके एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो 1 by 1 मैं आपको सारे क्लास के बारे में बताऊंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको फोकस करना है, जिसपे क्वेश्चन आना है एग्जाम में, वो है आपका एमॉर्फस सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। क्लासिफिकेशन में हमारे पास कई क्लास है, लेकिन सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, और दूसरा है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक बात और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमें सभी टॉपिक को 1 by 1 कवर करना है। जल्दी बिल्कुल नहीं है, बड़े ही आराम से कवर करना है और समझ के करना है। तो यहां पर अभी जो मैं आपको 2 क्लासेस के बारे में बता रही हूं, तो इन दोनों ही क्लास को ध्यान में रखिए, और लेकिन आगे के भी अभी 3 क्लास और हैं इनके रिवीजन, उन्हें भूलिएगा मत। क्योंकि मैं इसलिए आपको समझा रही हूं कि ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात कर रहे थे, बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं, बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की। तो इसमें जो पहला क्लास है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस किस तरह के सॉलिड हैं ये? एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनमें एटम का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता। इट मींस अगर हम इसको डायग्राम के हल से बताएं, तो ये है हमारा एमॉर्फस सॉलिड और ये है इसके अंदर पाए जाने वाले एटम्स। आपने डायग्राम देखा? डायग्राम आपको कैसा दिख रहा है? आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि मैंने रैंडमली एटम्स को बना दिया है और आपस में बहुत ज्यादा क्लोज नहीं रखा है इनको, यानी थोड़ा बहुत गैप आप देख रहे होंगे डायग्राम में। तो कुछ चीजें तो हम डायग्राम से ही समझ गए। एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड है जिनके एटम प्रॉपर अरेंज नहीं है, और जब प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है फर्क पड़ेगा इनकी प्रॉपर्टी पे। जहां अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता है, वहां जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है वो जरूर अफेक्ट करती है।
तो अमॉर्फस सॉलिड में जो एटम्स हैं वो प्रॉपर अरेंज नहीं है, और जब प्रॉपर अरेंज नहीं है तो इनकी प्रॉपर्टी भी अलग हो गई। है तो ये सॉलिड के ही क्लास, लेकिन सॉलिड से कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। रीजन बिहाइंड दिस कि इनके अंदर आईएमएफ फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम होती है, उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज एटम्स आर नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, एटम्स प्रॉपरली अरेंज नहीं है। टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे दें अमॉर्फस सॉलिड का, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। ग्लास, कांच, कितना वीक होता है ये कांच या ग्लास जब आपने इसको अगर अच्छे से नहीं पकड़ा है, अच्छे से नहीं लगाया है, तो हाथ से छूटते ही कांच गिर जाता है। पर ये डस्टर अगर मैं अभी गिराऊंगी तो क्या ये टूटेगा? ये नहीं टूटेगा, लेकिन कांच टूट जाता है, गिरकर टूट जाता है। रीजन क्या है? है तो वो सॉलिड, अपने फिक्स शेप साइज सब कुछ था, लेकिन जब हाथ से छूटा या उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, जरा सा भी फोर्स अप्लाई किया, तो इजीली वो ब्रेक हो गया। बिहाइंड द रीजन इज ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड अ वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो अमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड है जिनमें एटम्स के अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होते हैं। आई होप इज इट क्लियर। एग्जाम्पल ग्लास दिया हमने आपको। अब जब अमॉर्फस आपको समझ में आ गया है तो क्रिस्टलाइन की बात करें। जस्ट अपोजिट है अमॉर्फस सॉलिड के। यहां आपने देखा कि अमॉर्फस के एटम प्रॉपर अरेंज है, लेकिन क्रिस्टलाइन में जो यहां अमॉर्फस में जो एटम्स है वो प्रॉपर अरेंज नहीं है। लेकिन अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि इनके एटम्स बहुत ही प्रॉपर अरेंज हैं। देखा आपने, दोनों के डायग्राम को देखिए, आपको इजिली क्लियर हो जाएगा कि यहां एटम्स प्रॉपर अरेंज नहीं है, इसलिए सारी प्रॉपर्टी क्या है, वीक है। यहां पर एटम्स प्रॉपर अरेंज हैं, इसलिए ये कैसे सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं। ये जो हमारा डस्टर है, ये हमारा कैसा सॉलिड है, ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यानी घर में जो हमारे स्ट्रॉन्ग चीजें हैं जो ब्रेक नहीं होती हैं, हम उसको किसमें कंसीडर करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। आगे और भी टॉपिक है, वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।